हे गाइस, हर हर महादेव सभी को वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, कोमल तिवारी ब्लॉग। सो गाइस, मैं यहाँ जा रही हूँ कॉलेज, क्योंकि है मेरा आज सेक का एग्ज़ाम और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो मैंने सोचा ये क्यों भीड़ है, सभी क्योंकि आधे एक घंटे पहले ही पहुँच गए थे। तो देख, सभी धूप सेकते सेकते एंट्री का वेट कर रहे थे, क्योंकि उसके अलावा कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि था। गेट खुलने की जो टाइमिंग थी वो बताई गई थी 2 बजे, लेकिन वहाँ जाकर ऐसा पता चला तो सभी बच्चे जल्दी आ गए थे। कि मेरे मम्मी पापा हमेशा एग्ज़ाम में मुझे एक घंटे आधे घंटे पहले ही भेज देते हैं, क्योंकि बाद में रिस्क ना हो, इसलिए मैं भी चली गई थी। लेकिन फिर भी वहाँ पर खड़े होकर वेट करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, ब्लॉग्स बना लिया मैंने। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड्स भी आ गई, हमने बहुत सारा डिस्कशन किया, बातें की, और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन कुछ देर बाद सही हो गई। फिर उसके बाद एंट्री स्टार्ट हो गई, सभी बच्चे लाइन में लग गए थे, क्योंकि लाइन में लग कर एंट्री होनी थी, और सभी अपना एडमिट कार्ड दिखा कर जा रहे थे अंदर। उसके बाद मेरे कॉलेज का नाम मैंने आप सभी को दिखा दिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी विवेकानंद कॉलेज है। उसके बाद फिर हम सभी अंदर जाकर अपने अपने बेंच को ढूंढने लगे। मेरा और मेरी फ्रेंड का ग्रुप सारा एक क्लास रूम में ही था, मेरे पीछे मेरी फ्रेंड्स बैठी हैं, हमारा तीनों का साथ में रोल नंबर है, और 2 जो हैं वो थोड़ा अलग हैं, 2-3। और उसके बाद फिर हमारा जो रोल नंबर आया था वो T1 मतलब थर्ड फ्लोर पे आया था। तो फिर हम स्टेयर यूज़ किया, क्योंकि लिफ्ट अगर यूज़ करते हम तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है इसलिए। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, जब हम अपना रोल नंबर चेक कर रहे थे तो हम एक दूसरे से ही सब डिस्कशन कर ले रहे थे, कोई फ़ोटो लेकर आ रहा था तो दिखा दे रहा था। उसके बाद जैसे ही हम सब क्लास में एंटर किए, सब तो एंटर करके, जब मैं एंटर की तो मैं अपना ब्लॉग्स बना रही थी, तो सभी लोग सोच रहे थे मैं क्यों बना रही हूँ, ऐसी वीडियो क्यों बना रही। फिर मैंने सबको बताया, बाकी लोगों को तो पता है, कुछ लोगों को जिसे नहीं पता था वो थोड़ा डर गए थे इसलिए। फिर उसके बाद हम सभी ने अपना एग्ज़ाम दिया अच्छे से, मैंने भी पूरा अपना एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मेरा 10 मिनट पहले एग्ज़ाम हो गया, मैं बाहर आ गई, दिन था जब तक, और मैं अपनी फ्रेंड्स का वेट कर रही थी। उसके बाद मैं वॉशरूम गई, मेरी सारी फ्रेंड्स अभी क्लासरूम में ही थी, मैं ही आ गई थी। फिर उसके बाद सभी आ गए और सब डिस्कशन करने लगे कैसे कैसे हुआ। अच्छा पेपर था हमारा, सेक का पेपर था आज, हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं टोटल। फिर उसके बाद अब हमारा 26 को है, फिर हम सभी बाहर गए। जब सब फ्रेंड्स का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो हम सभी बाहर गए, और बाहर गए तो बहुत अच्छा मौसम था, तो सभी सभी फ़ोटोज़ ले रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि इवनिंग में कभी इतना कोई लेट रुकता नहीं है जल्दी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुश थे। और जो फर्स्ट ईयर की लड़कियाँ थी वो तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी और फ़ोटोज़ वगैरह ले रही थी। फिर उसके बाद हम गए कैंटीन में, कैंटीन में सभी लड़कियों ने अपने लिए कुछ ना कुछ लिया फास्ट फूड में, लेकिन मुझे कुछ नहीं लेना था, आप सभी को पता है मैं नहीं खाती हूँ, तो मैंने अपना रियल जूस और चॉकलेट खाया। उसके बाद मैंने एक चम्मच मतलब एक बाइट जो छोटी सी होती वो चिली पटेटो का खा टेस्ट किया था, वो इतना अच्छा था नहीं, और अच्छा होता तब भी मैं नहीं खाती। फिर उसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड चले गए, क्योंकि हम दोनों का था साथ में, थोड़ी दूर का रोड था साथ में। फिर उसके बाद हम निकल गए, निकल के कैंटीन से देखा कि बहुत प्यारी सी बिल्ली है जो कि सबसे डर रही थी, मैं उसके साथ मतलब थोड़ा खेलने को कर रही थी लेकिन वो सबसे डर कर भाग रही थी। और मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, मतलब ठंड नहीं लग रही थी, इवनिंग का मतलब 6 बजे का टाइम था तो ठंड मुझे तो नहीं लग रही थी, बाकी का पता नहीं, इतनी ठंड है नहीं दिसंबर के अकॉर्डिंग जैसे पहले हुआ करती थी। उसके बाद बाहर जाकर देखा तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब येलो लाइट जली हुई थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और सभी लड़कियां ऑटो का और रिक्शा का वेट कर रही थी, हम भी खड़े हुए रिक्शा का वेट करने, ऑटो का वेट करने, लेकिन वहाँ आने का नाम ही नहीं ले रहा था। जाते हैं ग्रामीण सेवा से, लेकिन ग्रामीण सेवा जब नहीं मिला तो हमने सोचा ऑटो करना ही सही रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो जाती नहीं तो। फिर उसके बाद ऑटो वाले अंकल आए तो उनसे हमने अपना प्राइस पूछा, हम 2 लड़कियाँ साथ में जा रहे थे तो उन्होंने बताया 50, लेकिन हमने बोला हम 10 रुपये में जाते हैं, 10 रुपये में ही जाएंगे, उन्होंने बोला 40। फिर उसके बाद एट लास्ट वो 10-10 में मान गए, मतलब ये बहुत लूटते हैं। फिर उसके बाद मतलब क्योंकि थोड़ी डिस्टेंस का ही था, अगर ज़्यादा होता तो चलो चलता भी। फिर ये और मैं और मेरी फ्रेंड दोनों साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड किए, और लेकिन वहाँ पर क्लियर वीडियो नहीं बन रही थी। फिर उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। उसके बाद रास्ते में पड़ा मंदिर तो हमने लिए भगवान के दर्शन, उसके बाद हम हाथ जोड़कर आगे चले गए।
सो आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।